ओके, तो लॉक स्क्रीन से हम एक दफा फिर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में अगर हम यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे जाते हैं, लॉक स्क्रीन मतलब अपने यूजर को आप यहाँ से जाके क्लिक करते हैं और जैसे कीपैड लॉक कर देते हैं ऐसे अपने यूजर को लॉक करते हैं। तो यहाँ पर जो फोटो आपको नजर आ रहा होता है लॉक स्क्रीन के ऊपर, जो बैकग्राउंड पे फोटो नजर आ रहा है, ये हमारा यूजर लॉग इन फोटो है। तो वो हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये देखिए लॉक स्क्रीन पर आएंगे हम यहाँ से, और यहाँ पे जो फोटो लगाना है आप उसको सेट कर दें। यहाँ पर भी आप फोटो लगा सकते हैं, स्पॉटलाइट लगा सकते हैं, विंडोज की स्पॉटलाइट कोई भी लगा सकते हैं। अगर स्पॉटलाइट नहीं लगानी तो फिर आप यहाँ पर जो है स्लाइड शो भी लगा सकते हैं। स्लाइड शो वही के एक के बाद एक फोटो चेंज होता रहेगा, उसमें आपको ऐड कराना पड़ेगा वो फोल्डर जिसके अंदर वो फोटोज मौजूद है। जैसे मैंने जाके ये फोल्डर ऐड करा दिया, तो अब ये फोटोज जब मैं अपना लॉक स्क्रीन करूंगा यहाँ से जाके, तो लॉक स्क्रीन करने पर वो फोटोज फिर इसके ऊपर एक के बाद एक आते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे अपना कोई पर्सनल फोटो लगाना है तो उसको क्लिक करके पहले मैं यहाँ क्लिक करूंगा, पिक्चर पे क्लिक करूंगा, फिर मेरा फोटो पर्सनल जो कंप्यूटर में कहाँ रखा हुआ है ब्राउज करके उसको सेलेक्ट करूंगा, और फिर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से उस फोटो पे क्लिक करूंगा तो वो फोटो मेरे लॉक स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और जब भी मैं अपने विंडो को लॉक करूंगा तो उसके ऊपर वो हमें नजर आएगा। लॉक स्क्रीन के बाद नीचे आ जाते हैं थीम्स। तो थीम्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, विंडोज थीम्स के अंदर शामिल होता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर, फॉन्ट, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का कलर, ये सारी चीजें थीम्स का हिस्सा होती है। मतलब ये पूरा पैकेज जो है ना थीम कहलाता है। अब अगर इस थीम को हम चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ तो विंडोज की खुद की थीम्स हैं जो आपको यहाँ नजर आ रही हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये थीम्स हमारी इंस्टॉल अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर। लेकिन अगर आपको मोर थीम्स चाहिए तो आपके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, गेट मोर थीम्स वाले ऑप्शन पर जाना है, तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर ले जाएगा। जैसे एंड्रॉइड फोन के अंदर प्ले स्टोर होता है, ऐसे विंडोज फोन या विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, जहां से आप काफी सारी एप्स, गेम्स, थीम्स और भी बहुत सारी एप्स को इंस्टॉल या डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ थीम्स फ्री होती हैं, कुछ पैड होती हैं। तो यहां पर देखिए सारी थीम्स आ रही हैं, उनके नीचे फ्री लिखा हुआ है। अब जो थीम आपको अच्छी लग रही है उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे उस थीम पर, तो आपके सामने थीम एक्टिवेट हो जाएगी और उस थीम को जाके आप इंस्टॉल करेंगे। जैसे खुला तो है लेकिन इसमें इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, देखते हैं आ जाएगा इसमें। इस थीम पे मैंने क्लिक किया है तो ये देखें यहाँ खुल गई है, और यहाँ पे देखें गेट लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं इस गेट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल भी हो जाएगी, और इंस्टॉल होने के बाद फिर ये हमें वहाँ पे थीम्स वाले सेक्शन में नजर आएगी। जैसे ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुई तो आप यहाँ पर जाके थोड़ा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, जब तक ये हो रही है हम तब तक कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। तो यहाँ से किसी भी थीम पे जो हमारे पास पहले से इंस्टॉल है आप उस पर क्लिक करेंगे और वो पूरी थीम हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगी। अरे वहाँ बैठे नहीं, एक मिनट ठहरो, इसको सेट कर दो वहाँ पर, बुलाओ उसको। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे थीम्स के बाद फॉन्ट्स के ऊपर,